नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज ही के दिन 7 साल पहले देश में भाजपा की सरकार बनी, या यूं कहें देश को नरेंद्र मोदी के रूप में 18वां प्रधानमंत्री मिला है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के हकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए कांग्रेस पार्टी को कई बार कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पुतले फूके जाते रहे। लेकिन इतिहास सदियों से दोहराया जाता रहा है, या यूं कहें कि 2014 से पहले की कहानी फिर वहीं सड़कों पर लौट आई है। लेकिन फर्क यह है कि इस बार सड़कों पर विपक्ष नहीं बल्कि खुद किसान आया है। सरकार द्वारा लाए नए तीनों कृषि बिलों के खिलाफ पिछले 6 महीनों से किसान सड़कों पर आंदोलित। आज ही के दिन देश में भाजपा की सरकार बनी और आज ही के दिन को किसानों ने काले दिवस के रूप में मनाया। किसानों ने अपने घर और वाहनों पर काले झंडे लगाए, वहीं कुछ जगहों पर नए कृषि बिलों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये भिवानी जिले के आलमपुर गांव की हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर सरकार से नए कृषि बिलों को रद्द करने की मांग की है। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।